गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको इस कक्षा में छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के बारे में बताऊंगी और उन दोनों का अंतर भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं छोटी ई की मात्रा में। इधर देखिए बोर्ड पे, ये है छोटी ई। ये छोटी ई है, ये छोटी ई की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। उसके बाद है बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, छोटी ई की मात्रा हमेशा हमेशा शब्द से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा शब्द के एकदम बाद में लगती है। जैसे छोटी की मात्रा पहले, बड़ी की मात्रा बाद में लगती है, पहली बात। दूसरी बात, छोटी ई की मात्रा बोलने के लिए हमको थोड़ी हम ब्रेक लगाते हैं। जैसे हम चलते चलते, हम लोग गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में अचानक से हमको ब्रेक लग जाता है, ऐसी छोटी की मात्रा बोलने के लिए हमको थोड़ी ब्रेक लगता है। कैसे? हमने कहा किताब, किताब, सितार, 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 गुड़िया, गुड़िया, सिर, सिर, चिड़िया, चिड़िया। अब हम मात्रा उसमें लगाएंगे तो कैसे हम पहले मात्रा लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे लोग छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लिखना छोटी की मात्रा चाहते हैं, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा लगाना चाहते हैं तो छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तब हम क्या करेंगे, कैसे हम छोटी की मात्रा आपको समझाएंगे। देखिए, मिस ने बताया था आपको कि छोटी की मात्रा शब्द के पहले लगती है, तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, किताब। जैसे देखिए, सॉरी, क, क में छोटी की मात्रा, त, ब, किताब, ऐसे ही सितार, स, स में छोटी ई की मात्रा, ता, र, सितार। उसके बाद चिड़िया, चिड़िया, च, च में छोटी की मात्रा, देखो सारे शब्द, शब्द के सारी मात्राएं शब्द से पहले लग रही हैं, ये छोटी ई की मात्रा मिस बता रही हैं, चिड़िया, चिड़िया। उसके बाद हम आते हैं गुड़िया, 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 छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, शब्द से पहले, ड से पहले, च से पहले छोटी की मात्रा, क से पहले छोटी की मात्रा, मीन्स छोटी ई की मात्रा शब्द से पहले लगेगी, एक बार। दूसरी बात, उसको बोलने में हमको थोड़ा कम समय लगता, थोड़ी हम ब्रेक देके उसको बोलते हैं। ठीक है, अब मिस आपको बता रही हैं बड़ी ई की मात्रा। चिल्ड्रन, बड़ी ई की मात्रा को बोलने के लिए, उसको उच्चारण करने के लिए हमको थोड़ा छोटी ई की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय हम उसको देते हैं बोलने के लिए। कैसे? जैसे हमने उसमें बोला था ना किताब, लेकिन हम यहाँ पे कैसे बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे सीता। समय हम इसमें बड़ी की मात्रा लगाई और समय में इसने कहा बड़ी की मात्रा शब्द के बाद में लगती है। कैसे लगती है? सीता, मीता, गीता, जीभ, सी, सीता, स, हमने स लिखा, स में हमने बड़ी की मात्रा लगाई, सी, ता, सीता, शब्द के बाद में लगी। उसके बाद हमने लिखा म, म में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, मीता। फिर मिस ने एक बोला था जीभ, ज में बड़ी की मात्रा आफ्टर द वर्ड एंड भ, भालू, जीभ, भ से भालू। देखो अंतर देखा ना, छोटी की मात्रा मिस ने ऐसे आगे से लगाई थी और बड़ी की मात्रा मिस ने पीछे से लगाई। बड़ी की मात्रा बाद में लगती है, छोटी की मात्रा पहले लगती है। और क्या होता है कभी कभी चिल्ड्रन ना, अगर हमने छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा की जगह अगर हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, तब
तो हमारे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, हम लिखना तो चाह रहे हैं पिता, पिता मीन्स फादर, पिताजी। हम लिखना तो चाह रहे हैं पिता, मिस ने आपको डिक्लेशन बोली, मिस ने आपको श्रुत लेख बोला और मिस ने बोला लिखो पिता, पिता हम लिखते हैं ये करेक्ट शब्द है, ये सही शब्द पिता, ऐसे प में छोटी की मात्रा एंता। अब आपको जब ज्ञान नहीं है छोटी की मात्रा का, आपको समझ नहीं आया, आपने पिता लिख दिया ऐसे, आपने ऐसे पिता लिख दिया। देखिए अब क्या मतलब हो गया, इन दोनों का अर्थ ही बदल हो गया, अर्थ ही चेंज हो गया, अर्थ ही बदल गया। पिता मिस ने बताया था फादर, और पिता पीना, पीना अंतर हो गया ना। तो ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है। अब उसके बाद मिस ने बोला आपसे कि बच्चों दीन लिखो, दीन श्रुतलेख, माना आपका श्रुतलेख चल रहा है, मिस ने आपको वर्ड दिया दीन, द द में बड़ी की मात्रा, और आपने लिख दिया दिन, द द में छोटी की मात्रा, आपने ऐसे लिख दिया। दोनों शब्द देखो, द इसमें भी है, द इसमें भी है, न इसमें भी है, न इसमें भी है, मात्राओं का अंतर है। मिस ने तो बोला था दिन, आपने लिख दिया दिन, अब दोनों का मीनिंग चेंज, मीनिंग ही अलग हो गया। दीन मीन्स जैसे दीन दुखी होते हैं ना, वो दीन हो गया, और ये दिन का मतलब डे, दिन, जो दिन हो रहा है अभी। तो दोनों का अंतर। अब आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर आपने सेंटेंस के बीच में इसकी जगह ये वाला दिन लिख दिया कि दिन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमने तो आपको ये वाला वर्ड बोला था। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं और देती हूं, छोटी की मात्रा का मिस ने बोला कि दिया लिखो, दिया, द में छोटी की मात्रा, मिस ने आपको श्रुतलेख बोला और मिस ने कहा दिया लिखो, द में छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन आपने समझा नहीं और आपने लिख दिया दिया, दिया, फिर गलत हो गया। गलत कैसे हुआ, मिस ने तो छोटी की मात्रा बोली थी, दिया मिस देना, देना, और ये दिया जलाना, जिसको जलाते, दिया दीपक, अंतर हो गया दोनों शब्दों में, हो गया ना, दोनों के अंतर, दोनों के अर्थ में अंतर हो गया। तो चिल्ड्रन हमको, बच्चों हमको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बहुत 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 ध्यान देना होता है, बहुत बहुत समझना होता है, नहीं तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है और उसका जो है हम सेंटेंस उसको लिखेंगे, हम आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमको इसका अभ्यास रोज करना है, डेली, प्रतिदिन हमको इसका अभ्यास करना है, ताकि आपकी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा जो है वो सही जगह पे लगे, एक बात। और दूसरी बात क्या है, कोशिश करनी चाहिए क्लास वर्क, आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन हिंदी को पढ़ें, अपनी बुक ही पढ़ें, क्योंकि आपको अभी तो आप क्लास वन में, आपको तो बड़ी क्लासेस की बुक किताब पढ़नी तो आएगी नहीं, तो आप क्लास वन के ही वर्ड्स पढ़ें, डेली पढ़ें, डेली अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तो आपको जो है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अंतर समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम इतने ही पे समाप्त करते हैं, फिर मिस आपको अगले लेसन में छोटा ऊ और बड़ा ऊ समझाएंगे। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन।